हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयांश टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज जो मैं वीडियो लाया हूं आपके लिए वो है बैरियर के ऊपर। हम जानेंगे इसमें इंस्ट्रूमेंट बैरियर क्या है, बैरियर कितने प्रकार के होते हैं, बैरियर किस किस कंपनी के होते हैं जो कि कॉमनली मैं आपको दिखाऊँगा, और इसमें दिखाऊँगी बैरियर कहाँ कहाँ हम उपयोग करते हैं और किस किस जगह पर बैरियर का उपयोग किया जाता है और इसको लगाते क्यों हैं। तो भाई, मेरे को पीयूष बघेली जी ने एक कमेंट्स किया था, जिसने स्टूडेंट्स ने कि सर बैरियर के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, इसमें क्या वोल्टेज होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या पावर सप्लाई होती है। तो आज मैं उन्हीं के लिए, मतलब आप सबके लिए, स्टूडेंट के लिए मैं बैरियर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बैरियर प्रोटेक्ट डिवाइस इन ऑथोराइज एरियाज, मतलब बैरियर हमारा एक प्रोटेक्ट डिवाइस है जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट और हमारे जो कि कंट्रोल रूम में हमारा सिस्टम लगा है, पीएलसी डीसीएस, उसको सेफ रखता है। आप यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हो, जिसके इधर हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है फील्ड में इधर, और हम जो इसके बाद हम फिर बैरियर पे आएगा जो कि मार्शलिंग कैबिनेट में, उसका सिग्नल इसके बाद फिर हमारा कंट्रोल रूम में जो कंट्रोलर है उसमें जाएगा। इससे क्या होगा, अगर हमारे उधर फील्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट होता है वायर, तो हमारा इसका बैरियर का फ्यूज उड़ जाएगा और हमारा सिस्टम सेफ बच जाएगा। तो ये एक प्रकार से आइसोलेटर होता है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है हमारे कंट्रोल रूम में, काफ़ी मददगार होता है, और अगर प्रॉब्लम आती है तो इसका फ्यूज़ उड़ जाता है। तो बैरियर कई प्रकार के होते हैं। स्विच के लिए बैरियर यूज़ किया जाता है, ट्रांसमीटर के लिए यूज़ किया जाता है, और हम थर्मोकपल जो होता है उसके लिए भी बैरियर यूज़ किया जाता है। तो बैरियर एक प्रकार से कन्वर्टर भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि हम जब थर्मोकपल में बैरियर का यूज़ करते हैं तो वो मिली वोल्ट को मिली एम्पियर में भी 420 मिली एम्पियर में कन्वर्ट भी करता है। तो मैंने एक बैरियर खोल के देखा था, तो मैंने इसमें देखा था कि इसमें इस टाइप से सर्किट वगैरह होता है, इसमें कैपेसिटर रेजिस्टेंस वगैरह इस टाइप से सर्किट डिज़ाइन किया होता है, इस प्रकार से अंदर से ऐसा दिखता है। तो आप इसको आराम से देख सकते हो, और जबकि हम कंट्रोल रूम में जब लगाते हैं बैरियर तो इस प्रकार से दिखते हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं ये टेम्परेचर के लिए था वो, और ये आपको दिख रहा है ये हमारा ट्रांसमीटर के लिए है। ये MTL3000 सीरीज़ का है, ये आप देख सकते हो, इसमें एक सर्किट डायग्राम भी दिया गया है इसमें, और इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कनेक्शन हमको कहाँ कहाँ करने हैं। तो ये MTL कंपनी का है, मेजरमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो यहाँ पे हम ट्रांसमीटर का जो कि आउटपुट होता है वो पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 6 में कनेक्ट करते हैं, इसी से 420 मिली एम्पियर इसको सप्लाई भी जाती है, सॉरी इसको 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई भी जाती है हमारे ट्रांसमीटर को इसी के माध्यम से, और इसी के माध्यम से आउटपुट भी आता है। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा जो कि बैरियर पे आएगा, बैरियर से निकल के कहाँ जाएगा, हमारे कंट्रोलर के लिए, वो यहाँ से निकलेगा 1 और 2 से, 1 पे पॉजिटिव और 2 पे नेगेटिव, जहाँ की 420 मिली एम्पियर जो आएगा वो ट्रांसमीटर से वो हमारे सिस्टम को यहाँ से जाएगा। इसमें पावर सप्लाई की बात करें तो 3 और 4 पे पावर सप्लाई है जो कि 20 से लेकर 35 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई देते हैं इसको, मतलब हम वैसे इसको 24 वोल्ट डीसी देते हैं पावर सप्लाई, बैरियर को 20 से 35 वोल्ट के बीच में दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार से बैरियर होता है, और हर बैरियर का अलग अलग फंक्शन होता है और अलग अलग सीरीज़ में आता है, अलग अलग इसका सीरियल नंबर होता है, उसके हिसाब से बैरियर आते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, ये MTL3000 सीरीज़ का है, और इसमें 200 मिली एम्पियर का फ्यूज़ लगा है। ये फ्यूज़ वही है जो भी अब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है फील्ड में, अगर वायर वगैरह शॉर्ट होता है तो इससे यहाँ से फ्यूज़ उड़ जाएगा और हमारा सिस्टम पूरा शेप बच जाएगा, इससे हमारे सिस्टम में कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए हम बैरियर को लगाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें, लास्ट एंड तक आप वीडियो को ज़रूर देखना, इसमें दिखाऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ और बैरियर जो कि आप देख सकते हो। हम स्विचिंग के लिए भी बैरियर का यूज़ करते हैं, एक स्विच के जैसे कोई स्विच लगा है फील्ड में, उस स्विच का सबसे पहले मार्शलिंग कैबिनेट में आएगा, मार्शलिंग कैबिनेट में हमारा बैरियर लगा रहता है, बैरियर के बाद फिर हमारा सिस्टम पे जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्विच के लिए भी बैरियर का यूज़ करते हैं, और कहीं कहीं स्विच के लिए बैरियर का यूज़ नहीं भी करते हैं, और जहाँ पे क्रिटिकल होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। वैसे मोस्टली बैरियर का यूज़ किया ही जाता है हर जगह पे, ठीक है। तो ये बैरियर काफ़ी अच्छा रहता है, आइसोलेटर का काम करता है, हमारा सेफ हमारे सिस्टम को बचाता है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, आप इस प्लीज़ एक बार कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ पे देख सकते हो आप, फ्यूज़ यहाँ पे लगाया जाता है, और ये देखिए यहाँ पे फ्यूज़ होता है, तो ये फ्यूज़ यहाँ पे लगाते हैं। अभी शायद इसमें फ्यूज़ नहीं है क्योंकि फ्यूज़ निकाल दिया गया है इसका, ये पुराना बैरियर पड़ा था रिमूवेबल, तो
आप यहाँ पे फ्यूज़ लगा सकते हो। तो यहाँ पे 200 मिली एम्पीयर का फ्यूज़ होता है, ऐसा नहीं है 200 मिली एम्पीयर का इसमें यूज़ हो रहा है तो कहीं पे किसी प्रकार का होता है, कहीं पे किसी मतलब हर एक का अलग अलग फ्यूज़ होता है, तो वो रेंज के अकॉर्डिंग होता है, वहाँ पे लिखा रहता है, सब मेंशन रहता है। आप जैसे फील्ड में जाओगे तो आप देख के आप समझ जाओगे, आप काम करोगे। तो ये तो हमारा MTL का था। अब ये अब बात करते हैं P&F का, पेपरल एंड प्लस फोक्स। तो ये जो ये बैरियर है वो इसमें आपको देख सकते हो KFD2 SCD EX1 के। तो ये जो है इसका वो सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर के हिसाब से हमारा ये बैरियर होता है, उस हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें आउटपुट की बात करें तो 1 और 2 पे आउटपुट आएगा हमारा, और पावर सप्लाई की बात करें तो 11 और 12 पे पॉजिटिव, 12 पे नेगेटिव। DC पावर सप्लाई में पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में ही लगाना पड़ता है, ठीक है। ये हमारा बैरियर है जो कि ट्रांसमीटर के लिए है, यूज़ किया है इसको हम। सेम ऐसा ही बैरियर हम थर्मोकपल के लिए भी यूज़ करते हैं। ये आपको ये दिख रहे हैं पीछे से, इसको खिसका के हम जो कि हम पीछे इसको जो हमारी TV और जो लगाते हैं उस पर रेल जिसको बोलते हैं उस पर इसको फिट करते हैं, ठीक है। आप साइड में यहाँ पे उसका आइकन चित्र भी देख सकते हो, मैं भी इसमें डाल दूँगा। तो हम कई सारी बैरियर का यूज़ करते हैं, बैरियर के बारे में मैंने आपको काफ़ी बता ही दिया है, और अभी आप इसको देख सकते हो, इसको यहाँ पे कनेक्शन होता है इस पर, ठीक है। ये आपको बैरियर इस टाइप से दिख जाएगा, इस पर LED होती है, जैसे हम इसको पावर ऑन करेंगे तो ये LED बिलिंग हो जाती है। तो हम जैसे बिलिंग हो जाएगी तो यहाँ इस पर पावर आ गई। बैरियर को हम 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई देते हैं अलग से, इसको और इसको ऑपरेट करने के लिए हम 24 वोल्ट DC सप्लाई को भी देना पड़ता है। ये आप देख सकते हो ये बैरियर अंदर ऐसे लगे होते हैं, ऐसे कनेक्शन होता है। ये भी नया बैरियर है तो इसमें अभी कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन वाला बैरियर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और हमारे कंट्रोल रूम में डिस्प्ले इस प्रकार से ऐसे इसमें शो करता है, जो कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो लगा रहता है मॉनिटरिंग सिस्टम उस पर इस प्रकार से शो करता है। ये किसी टेम्परेचर बैरियर का आ रहा था, हाँ ये देख सकते हो आप, ये टेम्परेचर बैरियर ये लगा है, ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे यहाँ ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं हम किसी कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करके इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से अंदर हमारे कंट्रोल पैनल में ऐसे लगे होते हैं बैरियर, सबसे पहले मार्शलिंग कैबिनेट्स के बाद फिर DCS PLC कैबिनेट, उसमें हमारा सिग्नल आता है, फिर वापस से फिर जाएगा तो फिर वापस से मार्शलिंग कैबिनेट में जाएगा, फिर बैरियर के थ्रू वापस से फील्ड में जाएगा जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा लगा है। तो अब हम बात करते हैं कंपनीज़ के बारे में, ये किस किस कंपनीज़ के होते हैं। तो मैंने कुछ 4-5 कंपनी उसके नाम दिए हैं, आप उसको आराम से देख सकते हो बैरियर किस कंपनी के बनाए जाते हैं। तो आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, और आप नोट भी कर सकते हो आपकी डायरी में। तो चलते हैं कंपनीज़ के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा जो बैरियर है एलन ब्रिटली का है, तो इसमें साथ में चित्र भी मैंने फ़ोटो भी दिया है उसका, आप देख सकते हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा पेपरल एंड प्लस फोकस का, जिसको हम बोलते हैं P&F। फिर इसके बाद हमारा MTL का है एक, तो MTL का इस प्रकार से होता है, मैंने MTL का आपको वीडियो में बताया था। फिर एक हमारा R-Stahl, ये मेड इन जर्मनी का है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें, और मेरे ऐसे ही आगे वीडियो इंटरेस्टिंग देखने के लिए, प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।